आना है। कितनी निगाहें लगी हुई हैं? मुसलमान है 1600, निगाहें कितनी हैं? 3200 आंखें अली की राह पर लगी हैं। कोई कांटे में उलझा हुआ है, कोई दरख्त पे चढ़ा हुआ है, और किसी पर कोई चढ़ा हुआ है। मैं देख लूं जन्नत मुझे मिल जाए। लम्हा दो लम्हे वक्त गुजरता रहा, अली कुजा कोई शायबा तक नजर नहीं आया। इतने में अली तो आए नहीं, पीछे से रसूल की आवाज आई, मेरे सहाबा वापिस आ जाओ, मुझे इत्तला मिल गई, मेरी जान आ रहा है। घबराए परेशान दौड़ते गिरते 1600 का अटैक पैगंबर के खेमे में, इतना सा खेमे का दरवाजा, सब जल्दी जल्दी अंदर आना चाह रहे हैं। या रसूल अल्लाह अंदर बैठे हुए, हमने तो निगाह से किसी परिंदे को भी परवाज करने नहीं दिया। मौला निगाह हमारी चश्मे जदन के लिए भी नहीं छपकी गई, आपको कैसे पता चल गया या रसूल अल्लाह अली आ गए? हमारी इतनी कीमती जन्नत मुफ्त में मिलने वाली मिस हो गई मौला, बताइए कैसे? रसूल ने कहा वो ये जो मेरे खेमे में सलमान बैठा है ना, वजूहत है, सलवात पढ़ दीजिए सारे साहिबान। बोलना मेरा बेटा, वजूहत है सरकार, लीजिए आमद करवा रहे हैं जनाब, तो वजूहत मंजूर रखिएगा, अली की आमद हो रही। ये जो सलमान बैठा है, सलमान ने मुझे बताया अली आ गए, और जन्नत की रसीद मैंने दे दी सलमान के हाथ में। अब पूरे मजमे का रुख सलमान की तरफ हो गया, कमाल है सलमान, हमें कुछ ना लेने देना, हमें ना लेने देना कुछ, ये भी ले गए, और बाहर तो आए नहीं थे आप, यहां बैठे बैठे कैसे कह दिया, ये तो बताइए जरा, वहां तो हम थे खड़े हुए, यहां आप इत्मीनान से खेमे में बैठकर कैसे बता दिया अली, और कहां रहे वो रास्ता साफ पड़ा हुआ। जब शोर ज्यादा बढ़ गया तो रसूल ने कहा सलमान सस्पेंस खोलो, इनको बताओ तुमने कहां देखा अली को, ये तो सच्चे है, रास्ता तो खाली पड़ा हुआ है, इनको बता दो ताकि ये शोर कम हो जाए। जवाब सुनिए अली की आमद हो रही है। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह बात इतनी है, ये अली को आलम सिफली का मकीन समझकर जमीन के रास्ते पर देख रहे थे। मौला मैं अली की असल राय गुजर से वाकिफ हूं, मेरी निगाह आसमान पर थी, यकायक मैंने सातों आसमानों को तजलजुल में पाया, सातों आसमान तजलजुल में थे, हिल रहे थे। आसमान अव्वल के नीचे मैंने नूर का एक तख्त देखा, उस तख्ते नूर के 40,000 सोने के कुंडे थे, हर कुंडे पर 70,000 गज लंबी सोने की जंजीर थी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ता थामे हुए था। उस तख्ते नूर पर एक कुब्बा नूर था, उस कुब्बा नूर में जवाहरात से मुजयन सोने की एक कुर्सी है, और उस कुर्सी पर 27 साल का एक हसीन शहजादा बैठा है। आपको सलामत रखे ना बाबा जी, या अली या अली। मौला मैं अली की असल राय गुजर से वाकिफ हूं, आप भी तवज्जो फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, इजाजत है मुझे, आमद हो रही अली की, दुआ कर देना भाईजान, सैयद बैठे आज। मौला मैं अली की असल राय गुजर से वाकिफ हूं, मेरी निगाह आसमान पर थी, यकायक मैंने हफ्त आसमान को तजलजुल में पाया, आसमान अव्वल के नीचे मैंने नूर का तख्त देखा, तख्ते नूर पर सोने के 40,000 कुंडे, हर कुंडे पर 70,000 गज लंबी सोने की जंजीर, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ता थामे हुए था। उस तख्ते नूर पर एक कुब्बा नूर, और कुब्बा नूर में जवाहरात से मुजयन सोने की कुर्सी, उस कुर्सी पर एक 27 साल का शहजादा बैठा है, यूसुफ उसके हुस्न की बलाएं ले रहा था, मौला उसके रुखसारों से गुलाब रंग चुरा रहे थे, उसके होंठों से कलियां नजाकत मुस्तार ले रही थी, उसके बदन की खुशबू से कायनात मुअत्तर हो रही थी, उसके बदन पर अंबिया का लिबास था, उसकी कमर में शमशीर आबदार हमायल थी, उसका तुर्रा इम्तियाज आसमान अव्वल पे टक्कर मार रहा था। या रसूल अल्लाह मैं तेरा मर्दम शनास सहाबी हूं, अली के सिवा किसी मां ने ऐसा बेटा ही पैदा नहीं।
तवज्जोहात हैं। आइए अब जंग शुरू करते हैं जो तकरीबन 1.5 घंटे की है। मेरे दोस्त अकील अब्बास का टाइम भी मेरा, मेरे मोहतरम भाई जनाब शहनशाह मसाए सैयद आरिफ शाह साहब का भी टाइम मेरा। राजी है जनाब? ठीक है जनाब। अली आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट ये अपने अपने टाइम पर पढ़े। यार आज पढ़ लेने दो, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैं आज वाकई पढ़ता, लेकिन दोनों शहजादे ऐसे हैं। चले जनाब बिस्मिल्लाह, दुआ कर दीजिए। अली की आमद हो, तवज्जोहात है सरकार। अली ने अपना पैर जमीन पर रखा, तवज्जो रखिएगा सर। हुदूद खैबर में अली की सवारी दाखिल हुई, मुहिब्बे अली बनकर नबी तुलू कर गया। आगे बढ़े, लजाम फरस थामी। या रसूल अल्लाह, अली के माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मौला मैं आपका गुलाम हूं, क्या कर रहे हैं मेरे आका? मेरा इस्तकबाल, मेरी लजाम थाम रहे अली, मेरा हुक्म है नबी बनकर, जैसे जीन पर सजा हुआ है ऐसे सजा रहे। मोहम्मद दिखाना चाहता है तेरी इज्जत क्या है, कायनात को पता चले नबियों का नबी जिसकी लजाम पकड़ ले वो अली किस ताकत की ना। बैठा रहे मेरी जान शहजादे, खड़ा रहे इसी तरह जीन में सजा रहे मेरे शहजादे। लेकर आ गए सलमान फारसी, जल्दी करो शरबत तैयार करो। अबू जर ठंडा पानी बनाओ, गुसल का पानी का इंतजाम करो, उम्दा लिबास निकालो मेरा संदूक में से, मेरी जान थका हुआ 80 मील का फासला तय करके आया है, आशोबे चश्मे मुब्तला है मेरा शहजादा, 30 साल बड़े हैं मोहम्मद अली से, इसलिए ये लफ्ज़े बोल रहा हूं। गोद में खिलाया है मोहम्मद ने अली को, बाप की तरह पाला है अली को, तवज्जोहात है। मेरी जान थका आया है, पहले ठंडा पानी पिएगा, शरबत पिएगा, गुस्ल करेगा, उम्दा लिबास पहनेगा, फिर इत्मीनान से लड़ने के लिए भेजूंगा, अभी थोड़ी भेजूंगा मेरी जान, जल्दी करो इत्मीनान से पानी बनाओ, ठंडा शरबत बनाओ। अली ने देख कर कहा, या रसूल अल्लाह पानी आकर पीता हूं, पहले खैबर ना फतेह कराओ। बोला आके पानी पी। एक बड़े मियाँ खड़े थे, उन्होंने दामन थाम लिया, या अली अजीब बातें करते हो, नौजवानी की बातें, गर्म खून की बातें, आते ही कहते हो जाऊंगा खैबर उड़ा कर आ जाऊंगा, कैसी बात, 39 दिन थके खाए इस सरजमीन पर हमने, हमसे पूछते नहीं, हमसे जुग्राफिया नहीं पूछते, हमसे नक्शा नहीं पूछते, उनकी नफ्सियात मालूम नहीं करते, जाते भी है और खैबर उड़ा कर आ जाते, मालूम है वहां कितनी बड़ी ताकत है। मुस्कुरा कर कहा, तूने उसकी ताकत देखी है, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। बस जनाब गुफ्तगू तमाम है, वक्त बहुत हो गया है, बस एक जुमला सुनिए, एक नतीजा और आपसे इजाजत। आगे बढ़कर आ गए, सबसे पहले अंतर आया, अली ने उसको कत्ल किया। अंतर के कत्ल की फिर मिलेंगे खैबर, तफसील से आगे पढ़ेंगे। अंतर के कत्ल की खबर सुनकर मरहब भैज में आ गया, मुंह से झाग निकलने लगा, सर पे खोद पहना पत्थर का लोहे का, 2 नेजे गुर्ज हाथ में, कमर में तलवार, 4 आयना सामने वाले की आंखों को खीरा कर, लोहे में लद के लोहे का पहाड़ बन। अली अंतर को कत्ल करके सरजमीन खैबर का जायजा ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई नया जागीरदार नई जमीन खरीद कर उसका जायजा नहीं लेता, और कंबर साथ साथ है। इस तरह के अली के हाथ में जुल्फकार है, जुल्फकार का कब्जा अली के सीधे हाथ में, जुल्फकार की नोक जमीन पर है, बायां हाथ